अब बनाएंगे हम लोग बेसन चक्की। ये दो पैकेट हमने ले लिए हैं, तो ये आधा किलो का एक पैकेट है, तो दो हमने एक किलो के। इसमें बिना कलर बनाए मिलाए कुछ इतना अच्छा कलर आ गया। इस तरह से आटा उसलने के बाद इसकी छोटी छोटी सी मुठिया बनानी है। हमारी सारी मुठिया तल आ गई और अभी ठंडी भी हो गई है, तो अब इसके टुकड़े करेंगे बारीक। इस तरह से करेंगे या फिर ईमान दस्ता होता है ना उसमें भी कर सकते हैं, अदरक वाला। इस तरह से बारीक हो गया है, इसको मिक्सर में बारीक पीसेंगे। इस तरह से इसको पीस लिया बारीक और उसको छान लेंगे। इस तरह से पूरा बारीक पीस लिया है इसको। इसको भी सिम पे सेकना बिल्कुल। हमने 200 ग्राम आवा लिया है, इसको अच्छी तरह से सेकेंगे। मावा अच्छे से सीख गया है, इसको आगे की प्रोसेस के लिए ठंडा होने देंगे। जब तक मावा ठंडा होगा हम उसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। हमने 1 किलो बेसन लिया था, तो यहाँ पे 1 किलो ही हम शुगर लेंगे। इसमें पानी डालेंगे हम। इसको चाशनी को तैयार करेंगे। बादाम को अच्छे से काट के रखे हैं बारीक। हम लोग अब चेक करते हैं कि चाशनी हुई कि नहीं। एक कटोरी में पानी रख के और चाशनी की कुछ बूंदे उसमें डालेंगे। फैल जाए मतलब ये चाशनी बनी नहीं है, तो और हम इसको पकाना है। एक बार और हम चेक करते हैं कि चाशनी हमारी हुई कि नहीं। वापिस वही प्रोसेस, अभी भी तो 10 मिनट और पकाना पड़ेगा।
इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि चाशनी हुई कि नहीं। ये थाल बन गया है, जो हमने मावा सेक के रखा था उसको चाशनी मिक्स करेंगे। कदम धीरे धीरे सब मिलाएंगे जो हमने बना के रखा था बेसन का मुठिया। सारी बादाम इलायची सब डाल दिया इसके अंदर। ये हमारे पास बर्फी की ट्रे है तो हम उसमें अब घी लगा के रख लिया है, उसमें जमाएंगे। और एक थाली में भी घी लगा लिया है। इसको अब हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको ठंडा होने के बाद इसमें कट लगाएंगे। तो रेडी हो गई है हमारी बेसन चक्की और इसमें कोई फूड कलर नहीं मिलाया है। और आप भी बना सकते हैं अपने घर पे और एंजॉय करें होली। हैप्पी होली। और सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो। और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।